सलाम नमस्ते सस्त्री अकाल दोस्तों, डे 141 और हम लोग अब कला क्षेत्र के गेस्ट हाउस को छोड़ रहे हैं। यार हमको कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हम इसको छोड़ रहे हैं। हालांकि क्या है, यहाँ पे कोई आ रहा है, कुछ बड़ा दिक्कत आ रहा है। कौन आ रहा है यहाँ पे? राष्ट्रपति आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जितना भी एरिया है ये सब बुक्ड हो चुका है ऑलरेडी। हमको ये केवल 4 दिन के लिए मिला था। तो गाइस ऐसा है कि अब हम इस कला क्षेत्र को छोड़ रहे हैं और हमारे लिए एक नया गेस्ट हाउस बुक कराया है। गेस्ट हाउस है, होटल है, होटल होटल है जो कि हिमांशु भाई ने कराया। तो अब देखो क्या है ना कि अब तक ऋषि भैया ने जितनी सी सारी चीजें करानी थी करा दी, अब हिमांशु बेचारा कुछ नहीं कर पाया, तो हमने हिमांशु को भी मौका दिया कि तुम भी हमारे लिए कुछ कर सकते हो। तो हिमांशु ने भी कराया है 2 दिन का हॉल्ट हमारा, जो जिस गेस्ट हाउस जिस होटल में हम जाने वाले हैं। तो गाइस ऐसा है कि जल्दी से पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं, ऑलमोस्ट हमारी तो हो गई है। सौरभ दाऊ कर रहे हैं अपना, जल्दी से जो बचा है वो भी रख लेते हैं और हमारे जोयदा आ रहे हैं। जोयदा हमको लेके जाएंगे वहां तक, यहां से थोड़ा सा दूर है। अब देखते हैं कितना दूर है, कहां जाना है, कैसे है वो गेस्ट हाउस। तो जल्दी से चलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, जोयदा आ चुके हैं और ये सारा सामान लेकर के हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ से कितना किलोमीटर होगा दादा? 5.5 मतलब 6 किलोमीटर है यहाँ से जहाँ जाने वाले हैं, जोयदा आ गए और हम लोग जा रहे हैं अपने नए वाले होटल में। तो हिमांशु भाई थैंक यू। और ये मैं अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। ठीक है भैया, मिलते हैं, चलते हैं, बाय बाय। दूसरे होटल में जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस शोर हल्ले के बीच में हम लोग आ गए अपने वापस से नए होटल में और ये है हमारा मर्सी लॉज, नो मर्सी। तो मर्सी लॉज में हम आ गए हैं, हम सामान निकालते हैं फिर पहुंचते हैं अपने बेडरूम में। हमारा रूम कैसा है देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे नए रूम में। और ये कुछ लोग बात कर रहे हैं यार, तो ये है हमारे जोयदा, ये है हमारे जितेश दा और ये है हमारा रूम। ये ऋषि आएगा, थैंक यू जोयदा, थैंक यू यार, ये हमारा 2 दिन का आशियाना दिलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू बोलिए सर उनको, थैंक यू दादा। बहुत प्यारा रूम है, एसी वगैरह सब लगा हुआ है, टीवी वगैरह सब है। सबसे अच्छी चीज़ कि इस रूम में भी गीजर है। अरे वाह, गीजर है तो नहा सकते हैं हम लोग। तो फिर 2 दिन तक हम लोग यहीं पे रहेंगे गाइस, दिखाते हैं क्या होता है कैसे होता है। और ये है बाहर का नज़ारा जो आप देख पा रहे होंगे, ये तो चलिए 2 दिन बाद मतलब यहीं है, मिलते हैं। गाइस एक चीज बताना चाहते हैं, इसका जो सौरभ का शूज है ना वो ऑलरेडी फट चुका है ऊपर, पर डेकैथलॉन का एक कंडीशन है कि अगर इसकी पेस्टिंग छूटेगी ना तब वापस होगा, अदरवाइज वो वापस नहीं होगा। तो ये हम पेस्टिंग फाड़ देंगे, पेस्टिंग फाड़ देंगे। ये भाई पेस्टिंग फाड़ रहे हैं उसकी, मतलब थोड़ा सा बटा है वो कुछ, बट वो पूरा फाड़ रहा है कि वो अभी डिकैथलॉन वाले के पास फोन लगाया था गुवाहाटी में, तो बोलता है कि आप पिस्टिंग फाड़ के ले आएंगे तो वापस होगा क्या। ये लो रेजर रेजर सब निकल आया बाबा, आप पट्टे का शूज और आएगा नया डिकैथलॉन का शूज, अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो गाइस बैग रूम पे पटकने के बाद हम डायरेक्ट जा रहे हैं डीकैथलॉन, क्योंकि सौरभ का शूज फट गया है, हमको कुछ कुछ सामान चाहिए जैसे कि पोंचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि आगे वाला आने वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा बरसात वाला हो सकता है। तो वी आर गोइंग टू डीकैथलॉन और वहाँ से खरीदेंगे कुछ कुछ चीज़ें। क्या क्या खरीदेंगे बताएंगे, बहुत सारा कुछ खरीदना है। तो चलो जल्दी से चलते हैं डीकैथलॉन, यहाँ से 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर, तो चलते हैं फटाक से और शॉपिंग करते हैं। तो गाइस 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम लोग पहुँचे हैं डीकैथलॉन और हमको मिल चुका है ये डीकैथलॉन। अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते हैं। ये अपना मास्क नहीं लिया था तो उसको भगा दिया गया वापस से, अभी 10 रुपये का मास्क खरीदा ये आदमी, हमको बोले थे हम पहले रख लो मास्क। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत, कलर अच्छा नहीं, ये सही है। कितने का ये? 2500 का। इसी को उठाएगा? हाँ। भाई मतलब लगता है पैसा आया है। देखना कौन सा अच्छा लगेगा। मेरे को M लगेगा ना? यही बढ़िया, इसी को उठा ले सीधा। इसको? हाँ। हाँ ये M है, इसका कपड़ा भी अच्छा है। हाँ। सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है।
रख ले करो, डालो इसको। अपन लोग ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, पता नहीं काहे पैसा इतना बका रहे ना कि हम लोग समझ ही नहीं आ रहा कि कौन जा रहे हैं ऐसे। हम कलर में कंफ्यूज हैं। आई कलर, हम कलर में कंफ्यूज हैं। पैंट पहनने बड़ा मजा आ रहा है लेकिन हम कलर में कंफ्यूज, ये कलर में कंफ्यूज है। कौन सा कलर अच्छा लग रहा है बताओ, जब तक वीडियो आएगा तब तक चला जाएगा ये। हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। हाँ ये कलर अच्छा है, ठीक है ले लेना। हाँ है ना, ले लो ले लो। अरे वो सामने वाला सोच रहे, ले लेना। हाँ ले लो ले लो, ठीक है। वो हाँ बोल दी, ये वाला ले रहे हैं हम। हाँ, ठीक ठीक। और ये बाकी बहुत सारी वैरायटी था जो बहुत अच्छी अच्छी है। आँख इधर उधर भागते रहता है कि कौन सा ले कौन सा ले, सारा ले ले, बट इतना ढो नहीं सकते, पैदल यात्रा इतना काम नहीं करता है। तो चलो कुछ दूसरा और देखते हैं भाई। हम भी बैठेंगे बहुत। अरे यार जितना ख्वाहिश है ना, जिस दिन पैसा होगा ना बहुत सारा पैसा लेंगे अपने घर के लिए। बहुत अच्छा लगा। हाँ 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 हाँ, थक गए हम टहलते टहलते, थक गए थोड़ा सा आराम करने। क्या हो गया, चलो चलते हैं, फालतू टाइम नहीं है अपने पास। अब बिलिंग कर लेते हैं यहीं पे। हम लोगों की शॉपिंग हो गई है। एक चीज़ और है, दुनिया जहान का आदमी आता है डीकैथलॉन में शॉपिंग करने के लिए, और ये आदमी कुछ नहीं लिया, और लिया है क्या, केवल कार्टन है, वो भी फ्री में। डीकैथलॉन को भी नहीं छोड़ा है। शक्ल दिखा अपना। और ऐसा था माहौल यहाँ का, बहुत प्यारा सा। तो अपन चलते हैं, नहीं तो और खर्चा हो जाएगा गाइस। तो इतना ज़्यादा टहलने के बाद एनर्जी ड्रिंक तो बनता है। तो गाइस हम लोग लिए थे डिकैथलॉन से स्पोर्ट्स ड्रिंक, तो इसको पी रहे हैं हम लोग। अच्छा लगता है, ये बहुत ज़्यादा है, अच्छा ये टेस्ट भी अच्छा है। ये पोमीग्रेनेट का है विद एडेड मिनरल्स एंड विटामिन। सही है, तो इसको पीते हैं फिर चलते हैं यार। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पार्सल करने के लिए। कुछ जो हमारा सामान था जाते ही वापस, जितना भी सारा सामान था हम लोग उसको पार्सल करने के लिए जा रहे हैं। भाई लोग आगे निकल गए हैं, मिलाता हूँ उनसे आपको। और ये टेप मारा मारी कर रहा है पूरा, अभी तक इसको भरोसा नहीं है कि ये सामान सही से जाएगा नहीं जाएगा, फाड़ देगा, फाड़ा फाड़ी कर देगा, पता नहीं। ये दूसरा टेप है ना, एक टेप खत्म हो गया नया वाला। मारो 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 मारो, जितना मारना है मार दो। इतना ज्यादा प्यार मिल गया कि इसको घर पे भिजवाना पड़ रहा है। इतना प्यार मत दो भाई, लेके नहीं चल पाते इतना प्यार हम। और गाइस हम लोग पहुंच गए हैं डाक घर, जहां हम लोग अपना सामान जो सारा पैक कर दिए उसको वापस अपने घर भिजवाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था। बड़े बड़े दो बॉक्स है भाई। ये जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से जाएगा फ्लाइट में बाहर, पता नहीं फ्लाइट में जाएगा ट्रेन में जाएगा उसकी मर्जी यार। ट्रेन में नहीं जाएगा, डायरेक्ट देखते हैं कैसे आता है, भेज देते हैं पहले। अभी हमको ना हिमांशु भाई एक बहुत प्यारा सा रिक्शा दिखाया, जीवन में आपने कभी नहीं देखा होगा। आओ आओ चलते हैं, चलते चलते आपको रिक्शा दिखाते हैं। बहुत यूनिक सा रिक्शा आज तक देखा होगा, जो केवल पैडल से मार मार के चलता है, जैसे ये दादा रिक्शा चला रहे हैं, ये पैडल से मार मार के चला रहे हैं, ठीक है। पर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि भैया ये क्या है, इसमें क्या लगा के रखते हो, मोटर लगा के रखते हो? अरे यार ये मोटर से रिक्शा चलता है, समझ रहे हो, मतलब इसका मोटर दिखा रहे हो। ये देखो ये 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 लगा हुआ है मोटर, और ये क्या होता है कि मतलब रिक्शा चलाना नहीं, पैडल नहीं मार रहा है, गाना बनाना पैडल मारी मारी वो नहीं करना, सीधा रिक्शा भी चलेगा तो मोटर भी चलेगा गुरु। और ये केवल आसाम में मिलेगा आपको। आपका रिक्शा देख के बड़ा बढ़िया लगा यार हमको, ये कहीं नहीं मिल रहा हमको देखने के लिए। ऊपर पैर रखो ऐसे करके, पैडल मारो ऐसे जूम से जाता है भाई। तो ये तुम्हारा ये आसाम का ये बहुत अच्छा लगा हमको गुरु। तो गाइस ऐसा है कि कल हम लोग देखने आए थे मूवी, जो कि हमको नहीं मिली देखने को, क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए थे, पैसे वैसे नहीं थे हमारे पास, यहाँ पे ऑनलाइन नहीं चल रहा था, मेरा जो कार्ड था एटीएम कार्ड वो भी रीड नहीं कर रहा था। तो फाइनली हम लोग अभी आए हैं मूवी देखने के लिए गंगूबाई। तो गंगूबाई की टिकट हमने ले लिए है और हिमांशु भाई भी आ गया है, तो हम तीन देखने वाले हैं गंगूबाई। फर्स्ट डे दीदी के मूवी लगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले हैं। तो ये है कुछ ऐसा गंगूबाई का पोस्टर, और कैसा रहेगा रिव्यू
धमाकेदार बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, जो भी होगा बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। आप हम बताएंगे क्या होता है, उसके बाद आप देखने के लिए जाइए। और तब तक क्या है ना, हम लोग मूवी देख लेते, तब तक आप जाके चैनल को जो सब्सक्राइब बटन है ना ऐसे करके उसको दबा दो, और ऊपर से जो घंटा आता है उसको भी दबा दो, और लाइक वाइक कर दो, जो करना कर दो, तब तक हम जाते हैं मूवी देख, है ना? सही रहे ना, अच्छा बोलता हूँ ना मैं, वन टेक शॉट दिया है, समझ रहे हो? गाइस मूवी देखने से पहले कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि अंदर जो मिलेगा हमको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो हम बाहर आए हैं अमृत भोग, तो अमृत भोग में हम खाने वाले हैं मोदक बोले तो, ये छोटे छोटे मोदक जो हमने मंगाए हैं ना अपने मोमो, उसको खाने वाले हैं, तो खाते हैं जल्दी से फिर शो देखते हैं। तो चले चलो इधर से, दरवाज़ा इधर से, चलो। ये अपन लोग आ गए हैं गाइस मूवी देखने के लिए, गंगू भाई, गंगू दीदी का मूवी, आलिया दीदी का मूवी लगा है यहाँ पे, तो हम लोग आलिया दीदी का मूवी देखने के लिए आ गए हैं। और देखो बड़े लोग के बड़े बड़े शौक होते हैं, और ये अपना शौक पूरा कर रहा है, 170 रुपये का, जो कि हम लोग बाहर 20 रुपये में पीते हैं, वो ये 170 रुपये का पी रहा है। वाह रहीस लोग, बड़े लोग बड़े बड़ी ख्वाहिशें। कैसा है सर, कोल्ड ड्रिंक है, शुरू हो गया, चलो चलते हैं। रो दिया काहे रो दिया रे, हैं? बहुत अच्छा मूवी है भाई, बहुत अच्छा, मतलब स्टोरी अच्छा है। तो गाइस ऐसा है कि हम लोग जस्ट अभी मूवी देखकर निकले हैं, और हमारा सौरभ भाई दिव्यांगन कितना बेचारा इमोशनल हो गया है, क्योंकि मूवी देखते देखते रो गया। क्या हो गया भाई, बहुत अच्छा मूवी है, स्टोरी भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्टिंग हुआ है, मतलब बहुत अच्छा था, पता नहीं हमको रोना आ गया लास्ट में, ये रो दिया पूरा मूवी, मतलब इमोशनल वाला एकदम, और हम बहुत इमोशनल हो गए। तुमको कैसा लगा मूवी? बस बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, लेकिन लास्ट में हंसी आया, संजय लीला भंसाली की मूवी थी, तो आप समझ जाओ कि सेट बहुत तगड़ा है, म्यूजिक बहुत तगड़ा है, और एक चीज मेरे को सेम लगी, जैसे हमने देखी बाजीराव मस्तानी, रामलीला और पद्मावत, उसमें एक कॉमन सी चीज रहती ना, अरे ढोली ऐसा वाला, तो वो सारी चीजें सेम लगी हमको। बाकी मूवी अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और कुछ कुछ चीजें जो मूवी में है जो नहीं, जो थी रियल में वो नहीं बताया गया, मतलब जैसे वो प्रधानमंत्री वाला सीन बहुत छोटे में निपटा दिया, बहुत बड़ी कन्वर्सेशन थी, और कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको पढ़ेंगे तब आपको मिल जाएगी, या इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बट ठीक है, ऑल ओवर मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉचेबल है, और देख सकते हैं एक 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 बार में, देखने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, तो बहुत बढ़िया मूवी है। और भाई ओ भाई साहब, बारिश तो बहुत जोर की हो रही है बे, तो गाइस ऐसा है कि मूवी वूवी देखने के बाद हम सीधा आए मानशु भाई की दीदी के घर पे, और ये हमारे होटल से बहुत ही नज़दीक था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि आज घर का खाना खाया जाए, होटल का खाना नहीं खाएंगे, और हिमांशु भाई हमको लेके आया है हमारे लिए बहुत प्यारा सा डिनर। हेलो और ये बहुत प्यारी, बहुत क्यूट है यार, पीहू नाम है इसका, पीहू। हेलो पीहू, और पीहू डिनर करने में बहुत ज्यादा बिजी है, तो भैया हम भी बिजी हो जाते हैं, डिनर कर लेते हैं फटाक से, फिर सोएंगे, क्योंकि कल सुबह हमको निकलना है, तो भाई जल्दी से डिनर कर लो।